तुमने देखा है फारूक को? जरा सी उसकी बीवी को क्या कुछ कह दो, उसके तो आग लग जाती है। आखिर सौद को हकीक है हमारे किसी भी पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी करने का। आज बाप और बेटी के मामले में बोल दिए, कल वो अपनी नीस को उठा के ले आएगी और हमारे सरों पे अजाब। वैसे पता है तुमने बिल्कुल ठीक किया है उसको उसकी औकात दिखा के। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि हमारी पर्सनल बातें सुनती क्यों है वो। माँ जो बनने की कोशिश करती है मेरी। मुझे तो हमदान पे हैरत हो रही है कि उसने आके फारूक को शिकायत कर दी तुम्हारी। अपना नहीं देखता है जो अनुषा से चक्कर चला रहा है। अरे अगर तुमने किसी लड़के से हंस के बात कर ली, फौरन आके फारूक को बता दिया, एक राय का पहाड़ बना दिया उसने। आप ठीक कह रही है, भाई ने अच्छा नहीं किया। वहां भी सबके सामने मुझे इतना जलील किया और फिर यहाँ आके फौरन बाबा को शिकायत लगा दी। आखिर जरूरत ही क्या थी? बात सुनो, अब तुम भी बिल्कुल लिहाज मत करना। जहां तुम देखो हमदान को अनुषा के साथ ना, फौरन जाके फारूक को शिकायत लगा देना। इससे पहले कि हमदान तुम्हें किसी और के साथ देखे और दोबारा फारूक को शिकायत लगाए, तुम फौरन फारूक का दिल खराब कर दो हमदान से। समझ आ रही है तुम्हें? ताकि फारूक हमदान की बातों पर कान ना धरे। गुड आइडिया, ऐसी ही करूंगी मैं। वैसे युसरा, मौका अच्छा था, तुम्हें फारूक से नदीम की बात कर लेनी चाहिए थी। कैसे कैसे करूं नदीम की बात? नदीम खुद पहले 100% सीरियस हो जाए ना, फिर बाबा से कुछ कहूंगी। ऐसा ना हो मैं बाबा से बात करके बैठ जाऊं और नदीम साहब अपने पेरेंट्स को ही लेके ना आ सके, बात तो और खराब हो जाएगी ना। ठीक है, मैं नदीम से कल बात करती हूँ और उसको कहती हूँ कि अपने पेरेंट्स को लेकर आए ताकि वो तुम्हें प्रपोज करें। ठीक है, डोंट वरी।